आप सभी को राधे राधे। माघशीष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप मोक्ष प्रदायिनी है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु का विधिपूर्वक व्रत और पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत से मनुष्य को सभी जन्मों में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी का महत्व और भी अधिक इसलिए है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। एक बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे द्वारकाधीश, माघशीष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका महत्व क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। माघशीष शुक्ल पक्ष एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें इसकी एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में गोकुल नाम के राज्य में एक बेखानस नाम का राजा राज्य करता था। एक रात उन्होंने अपने स्वप्न में देखा कि उनके पिता मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं झेल रहे हैं। उन्हें अपने पिता की ऐसी दशा देखकर बहुत दुख हुआ। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने राज्य के राजपुरोहित को बुलाया और अपने रात्रि के स्वप्न के विषय में बताया। पुरोहित से अपने पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। राजपुरोहित ने कहा कि हे राजन, इस समस्या के निवारण हेतु आपको पर्वत ऋषि के आश्रम जाना चाहिए, वो त्रिकालदर्शी हैं। राजा तत्काल पर्वत ऋषि के आश्रम गए और उन्होंने पर्वत ऋषि को साष्टांग प्रणाम कर अपने पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। तब पर्वत ऋषि ने बताया कि उनके पिता ने अपने पूर्व जन्म में एक पाप किया था, जिस पाप के कारण वो नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। तब राजा ने पर्वत ऋषि से इस पाप से मुक्ति के बारे में उपाय पूछा तो पर्वत ऋषि ने बताया कि माघशीष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप मोक्षदा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत और पूजन करें। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। राजा ने ऋषि के वचनों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत और पूजन के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और उनकी मुक्त आत्मा ने राजा को आशीर्वाद दिया और एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से उनके पिता को उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।